बंगाल में फिर से हिंसा, भाटपारा में हिंसा, और प्रतिक्रिया के लिए आपसे बात करूंगा। कैलाश जी, ये जो लगातार हिंसा का दौर चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है, क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ तो पूरे बंगाल के अंदर चुनाव परिणाम के बाद से ममता जी के इशारे पर हिंसा का तांडव मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। अभी तक 15 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी चुनाव के बाद में, और अब जिस प्रकार का वातावरण है वो अराजकता का ही वातावरण है, और कुल मिलाकर ममता जी के इशारे पर हो रहा है। आज हम संसदीय दल की कमेटी वहाँ पर भेजेंगे, वो अपनी रिपोर्ट लाएंगे, जिससे हम गृह मंत्री जी को अवगत कराएंगे। आप आरोप लगा रहे हैं ममता जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। निश्चित रूप से कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार का वो कर रही हैं। बंगाल के लाभ और हानि की चिंता नहीं, केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर वहाँ की जल समस्या के लिए मंत्री को बुलाते हैं वो भेजने से मना कर देती है। केंद्र की योजनाओं का लाभ वहाँ के प्रदेश की जनता को लेने नहीं देना चाहती। ये कैसा मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश की जनता को केंद्र सरकार का लाभ नहीं दिलाना चाहता? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल विक्षिप्त व्यवस्था है। धारा 356 की स्थिति आ गई है, अभी बोलना जल्दबाजी होगी। यह आरोप अपने आप में बड़ा कि किसी मुख्यमंत्री के दिमागी संतुलन का आकलन कर रही भारतीय जनता पार्टी, और वो कह रही है कि ममता बनर्जी हार को पचा नहीं पा रही हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।